आईजी पंजाब के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली की तैयारियां, चीफ सेक्रेटरी के लिए तीन नामों पर गौर। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मेजर रिटायर्ड आजम सलेमान और वफाकी सेक्रेटरी कॉमर्स अहमद नवाज सुखेरा, डॉक्टर एजाज मुनीर दौड़ में शामिल। तीनों नाम वजीर आजम को मंजूरी के लिए भिजवा दिए गए। आठ माह में तीसरी बार आईजी तब्दील, आरिफ नवाज दोबारा पंजाब पुलिस के सरबराह तैनात। तीन महकमों के सेक्रेटरीज एक रोज बाद फिर तब्दील। सेक्रेटरी खुराक शौकत अली का बतौर सेक्रेटरी जरा तबादला मंसूख। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तैनात, मोमिन आका को तब्दील करके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर लगा दिया। सेक्रेटरी जरात वासिफ खुर्शीद का बतौर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट तबादला मंसूख। नोटिफिकेशन जारी। तूफानी बारिश से एक शख्स जान बहक, 14 जख्मी हुए। तेज हवाओं से मुतासिर लेस्कू का तरसीली निजाम जुज़वी बहाल। तारे टूटने से मुतअद्दिद इलाके ताहाल बिजली से महरूम। जोहर टाउन, समनाबाद, इकबाल टाउन, वहादत रोड के इलाकों में बहाली का काम जारी। तर्जुमान लेस्कू कहते हैं कि फील्ड स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया, जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी। बारिश और तूफान के बाद शहर के उफक पर बादलों का बसेरा। ठंडी हवाएं चलने से मौसम इंतहाई खुशगवार। दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड, हवा में नमी का तनासुब 75%। आइंदा 24 घंटों में वक्फे से बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात ने बता दिया। पीटीआई की जानिब से हाई अलर्ट जारी। आमदन से जायद असासे कैसे बनाए, नैब को हमजा शहबाज से जवाब का इंतजार। दोबारा तलबी, तहकीकाती टीम मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक पूछताछ करेगी। मुश्ताक चीनी के अकाउंट से रकम मुंतकली बारे भी तहकीकात होंगी। अपोजिशन लीडर ने 17 अप्रैल तक हाईकोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। करप्शन के खात्मे के लिए सरकारी अफसरान का अहम किरदार। कौमी दौलत लूटने वालों के खिलाफ जहाद करने का अज़्म, चेयरमैन नैब का सिविल सेक्रेटेरिएट में अफसरान को खसूसी लेक्चर। ग्रेड 17 और सीनियर अफसरान शरीक। अहलन वसहलन मरहबा, इमाम काबा अल शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अवादुल जहनी लाहौर आएंगे। कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज अलही और वजीर अला पंजाब से मुलाकातें शेड्यूल। इमाम काबा की अमामत में नमाज असर मरकजी जमीयतुल हदीस में अदा की जाएगी। नमाज मगरिब बादशाही मस्जिद में पढ़ाएंगे। जामे अशरफियन नमाज इशा की अमामत करवाएंगे। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें बढ़ाएं, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करो। एपका मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। हाउस रेक्विजिशन की अदम मंजूरी का मामला, सिविल सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेशन काउंसिल की दूसरे रोज भी कलम छोड़ हड़ताल। मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर इकट्ठ काम ठप। हाउस रेक्विजिशन की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। शहर में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर का मामला, वज़ीर आज़म की हदायत पर शहर में अमूदी तामीरात का मंसूबा। हुकूमत का शहर में कसीरुल मंजिला इमारतों के लिए जोन बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी गई। चीफ टाउनर प्लानर एलडीए को कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया। रमजान बाजारों के सामान की खरीदारी का मामला, जिला इंतजामिया ने टेंडर शुरू कर दिए। फर्मों पर सख्त शराइत लागू, टेंडर यकम मई को खोले जाएंगे। पेपरा रूल्स के मुताबिक फर्म एक ही टेंडर की मजाज होगी। एडिशनल डेप्टी कमिश्नर फाइनेंस ऑफिस ने बड़ी फर्मों से कवायद मांग ली। दफातर के चक्कर न दरख्वास्तें देने का झंझट। असातिज़ा के तबादलों के लिए ई ट्रांसफर सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। असातिज़ा 25 अप्रैल तक ई ट्रांसफर ऐप पर लॉगिन कर सकेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने गाइडलाइन जारी कर दी। वर्ल्ड कप 2019 का महाज, मुमकिन खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए। सरफराज अहमद, फखर जमान, इमामुल हक, हारिस सुहेल और बाबर आजम को शामिल किए जाने का इम्कान।
शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान और हसन अली की भी शमूलियत मतवक है। फहीम अशरफ, शाहीन शाह फरीदी, उस्मान शमारी भी मुमकिन स्क्वाड का हिस्सा। रिजर्व खिलाड़ियों में जुनैद खान और मोहम्मद नवाज को शामिल किए जाने का इम्कान। हतमी टीम का ऐलान 18 अप्रैल को होगा। कजाफी स्टेडियम में तरबियती कैंप शुरू। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर